आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, सेक्शन 150 में नोटिस आने शुरू हो गए हैं। सर ये सेक्शन 150 किस चीज़ का है भाई? सेक्शन 150 बात करता है इन्फॉर्मेशन रिटर्न की और इसमें नोटिस आने शुरू हो गए हैं। ये पहला नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ सेक्शन 150 में। नोटिस क्या आया, क्या ये वैलिड है इनवैलिड है, उसकी पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सेक्शन 150 कहता क्या है जीएसटी का, ओब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, कि भाई अगर हम चाहेंगे तो आपको सेक्शन 150 में नोटिस दे देंगे। किसे दे देंगे? एनी पर्सन बीइंग ए टैक्सेबल पर्सन, किसी भी टैक्सेबल पर्सन को यह नोटिस दिया जा सकता है। और नोटिस देकर मांग क्या सकते हैं? नोटिस देकर तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली मांग सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, इस वाले नोटिस में पूरी जन्म कुंडली मांग ली है ऑफिसर ने। सर क्या जन्म कुंडली में क्या मांग लिया, जरा ध्यान से पढ़ो। इन्होंने क्या कहा है कि सेक्शन 150 के अंदर हम आपको नोटिस दे रहे हैं कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर 17-18 का नोटिस देने का टाइम तो निकल गया। अगर मैं बात करूं कि भाई सेक्शन 73 के अंदर जो नोटिस दिया जा सकता है वो 2 साल 9 महीने में दिया जा सकता है एनुअल रिटर्न तक, लेकिन सेक्शन 74 में 4 साल 9 महीने तक दिया जा सकता है। तो 73 का तो टाइम निकल गया, 74 का टाइम अभी रहता है। तो इन्होंने 74 में नोटिस नहीं दिया ना 73 में, इन्होंने दिया सेक्शन 150 में। और सेक्शन 150 में नोटिस देकर 17-18 की पूरी जन्म कुंडली निकाल ली। क्या बोला कि भाई एक ऐसा करो कंप्लीट बैलेंस शीट ले आओ और साथ में ठीक है ना ट्रेडिंग अकाउंट भी ले आना और ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक ले आना विद HSN कोड। भाई उस टाइम पर तो HSN कोड भी मैंडेटरी नहीं थे, हमारी टर्नओवर भी इतनी नहीं थी, लेकिन लेकर आना है। ट्रायल बैलेंस मंगाया है, ITC का लेजर मंगाया भाई साहब अलोंग विद HSN कोड। भाई ITC का लेजर HSN कोड से कैसे दे दूं, क्योंकि इनवर्ड सप्लाई के तो मैं HSN मेंटेन ही नहीं करता, लेकिन इन्होंने नोटिस के अंदर डालकर मंगाया है। साथ में क्या बोला कि पूरी डिटेल लेकर आना कि GSTR 2A में वो ITC आ रहा है या नहीं आ रहा, इनपुट है कैपिटल गुड्स है, ये सारी चीज़ें बताना। जो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करे हैं विद HSN कोड लेकर आना। डिटेल ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड अगर है तो वो भी लेकर आना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, अगर आपने कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी है वो भी लेकर आना, अगर आपने जॉब वर्क को माल भेजा है और वो वापस आया वो भी बताना, ITC रिवर्सल कराए जो वो भी बताना विद HSN कोड। अरे भाई ITC में तो HSN कोड होता ही नहीं। बैंक स्टेटमेंट अलोंग विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी में लिख दिया शायद इन्होंने, ये कह रहे बैंक स्टेटमेंट लानी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक मेंशन इन बैंक। भाई क्लोजिंग स्टॉक कैसे देते हैं बैंक में मुझे तो पता नहीं, या तो कोई स्टॉक स्टेटमेंट देते हैं CC लिमिट OD लिमिट होती है तब देते होंगे, अदरवाइज बैंक के अंदर क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो होता है, स्टॉक नहीं पता कैसे होता है। अगर आपने DRC 03 ठीक है कोई जमा करा है वो ले आना, 26 AS ले आना, सन्ड्री क्रेडिटर्स के लेजर ले आना जो आपने पेमेंट करी है, और कितने दिन में लेकर आ जाना, 7 दिनों में लेकर आ जाना। और अगर आप ये सब लेकर नहीं आए तो तुम पर पैनल एक्शन भी लगा देंगे हम। तो ये सेक्शन 150 में आपकी पूरी कुंडली मांग रहे हैं, तो सर अब करना क्या है, देना पड़ेगा। अरे सर 2 साल 9 महीने तो निकल गए, अरे भाई वो सेक्शन 73 के, अब वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं आपसे, इन्फॉर्मेशन आप उन्हें दे दो और उसके बाद हो सकता है वो तुम्हें जो नोटिस इशू करें, जो तुम्हारा एडजुडिकेशन करें, क्योंकि यहाँ पर अभी ये क्या कर रहे हैं, ये अभी स्कूटनी ऑफ रिटर्न कर रहे हैं सेक्शन 61 में। अरे भाई स्कूटनी ऑफ रिटर्न करके क्या करोगे? अरे स्कूटनी ऑफ रिटर्न करके चलो तुमने कोई डिमांड निकाल भी ली तो क्या अब उसकी एडजुडिकेशन कर सकते हो, 73 में नोटिस दे सकते हो? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, आंसर इज नो। तो भाई रिटर्न की स्कूटनी करने का क्या फायदा अब 17-18 की? अरे करनी है तो 18-19 की करो, लेकिन हो सकता है ऑफिसर के माइंड में ये हो कि ऐसा करते हैं स्कूटनी करते और फिर सेक्शन 74 में नोटिस देंगे। तो 74 का तो यहाँ पर एडजुडिकेशन प्रोसेस वैलिड होगा, 73 का नहीं होगा, या हो सकता है ये नोटिस परेशान करने के लिए
दिया हो कि चलो कोई बात नहीं, नोटिस दे देते हैं 17-18 का, कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है ना, क्या पता ऐसी डरी जाए। तो अगर आपके पास भी ऐसा सेक्शन 150 में नोटिस आ रहा है तो ये मत समझना ये इनवैलिड है, क्योंकि सेक्शन 150 इस चीज़ को कहता है कि आपसे इन्फॉर्मेशन रिटर्न मांगी जा सकती है। सर हमने तो आज तक पढ़ा नहीं सेक्शन 150, तो भाई अगर तुमने सेक्शन 150 नहीं पढ़ा तो इसमें इंस्टीट्यूट की क्या गलती है, जो GST डिपार्टमेंट है उसकी क्या गलती है, हैं, गलती तुम्हारी है। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हो, GST का लाइव कोर्स है, लाइव कोर्स क्या होगा, जिसमें मैं आपको जूम ऐप के थ्रू पूरा कोर्स सिखाऊंगा, जिसमें सारे सेक्शंस हम कवर करेंगे लगभग जो इम्पोर्टेंट्स है, पूरा 80 से 100 घंटे का कोर्स होगा ये, उसमें आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हो कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी। तो ये 19 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, संडे संडे इसकी क्लासेस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन करा लो। अब अगर कोई व्यक्ति इंडिया में बैठा हुआ है कहीं, भाई त्रिपुरा बैठा हुआ है, चंडीगढ़ बैठा हुआ है, ठीक है, यूपी बिहार कहीं भी बैठा हुआ है, वो मेरे से डायरेक्ट कोर्स कर सकता है, पूरा GST सीख सकता है, ठीक है, जिसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, नोटिस का रिप्लाई कैसे करें, अपील कैसे फाइल करें, पूरा टोटल कोर्स है, अगर आप कंटेंट देखोगे पूरा कोर्स है, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।